पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन में लालबाग पुलिस ने जिला अस्पताल के धोखाधड़ी व शासकीय राशि गबन प्रकरण में मुख्य आरोपी प्रतीक नवलखे को दिल्ली से गिरफ्तार किया व उसमें 11 लाख की नकदी जब्त की थी। प्रकरण के मास्टरमाइंड आरोपी प्रतीक नवलखे ने पूछताछ में बताया कि बुरहानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष आनंद दीक्षित भी इस धोखाधड़ी में सम्मिलित थे। आनंद दीक्षित ने प्रतीक की पत्नी अमृता नवलखे के साथ षड्यंत्र पूर्वक शासन की राशि का गमन करने के उद्देश्य से मां कृपा नाम से फर्म बनाई थी। फर्म के नाम से खोले गए बैंक खातों में शासकीय राशि गमन कर धोखाधड़ी पूर्वक डलवाई गई तथा इस राशि का इस्तेमाल खुद के निजी उपयोग के लिए किया गया। डॉक्टर आनंद दीक्षित का वास्तविक नाम सूर्यकांत है। आनंद दीक्षित फिलहाल फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस इस धोखाधड़ी व गमन मामले में बारीकी से विवेचना कर रही है। पुलिस द्वारा आरोपी प्रतीक नवलखे से गहराई से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर गबन में सम्मिलित लोगों को आरोपी बनाकर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। विराट 24 के लिए बुरहानपुर से हेमराज रघुवंशी की रिपोर्ट।